हेलो माय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को राजमा की रेसिपी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बताऊंगी, बहुत ही बढ़िया, बहुत तड़के के साथ। तो ये रेसिपी तो बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने में हम ज़रा सी भी देर नहीं करते हैं। राजमा बनाने के लिए हम सबसे पहले राजमा को बॉईल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक कप राजमा रात में ओवरनाइट सोक करके रख दिया था पानी में, तो ये बहुत अच्छे से फूल के बिल्कुल डबल साइज़ में हो गए। अब हम इस राजमा को बॉईल करेंगे। राजमा को बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे दालचीनी ले रही हूँ। इसी समय हम इसमें दालचीनी डाल देंगे और इसमें मैं 2 तेज़पत्ते डाल दूँगी और 2 बड़ी इलायची, जिसको कि मैंने कूटदानी में कूट लिया है। हल्का सा, मतलब उसका ऊपर का खोल जो है खुल जाए, बस इतना मैंने कूटा है। और इसमें मैं पानी डाल के इसको हम बॉईल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप, मतलब 2.5 कप पानी लिया है। और अब हम इसको कुकर का ढक्कन लगा के इसको प्रेशर कुकर को अब हम गैस पे चढ़ा देंगे और 1 सीटी हम मीडियम पे, उसके बाद हम 4-5 सीटियाँ, 6 सीटी हम इसकी मीडियम से लो फ्लेम पे हम लेंगे, ठीक है। इसको फिर लो फ्लेम पे कर देंगे। तब तक हम दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल डाल के हम इसका जो है मसाला तैयार करते हैं। तो कढ़ाई हमारी यहाँ पे गरम हो गई, तेल भी गरम हो गया। इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा हमारा यहाँ पे देखिए चटकने लग गया है बहुत अच्छे से। फिर इसी समय मैं थोड़ी सी हींग डालती हूँ, आप डालिए या ना डालिए ये ऑप्शनल है। और इसके बाद मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है, तो मैं वो 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट को अच्छे से भूनूंगी पहले। और आप राजमा अगर देसी घी में बनाए ना तो बहुत अच्छा बनता है। तो और राजमा को आप घी में बनाइएगा, ठीक है, तो राजमा आपका बहुत टेस्टी बनेगा। और हम इसमें, मैंने बहुत ही महीन बारीक चॉप की हुई प्याज ली है, देख सकते हैं आप इसको, और इसको अब हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज को हमें बहुत अच्छा फ्राई करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मसाले को भूनने में जरे सी भी कंजूसी मत करिएगा। तो आप देख रहे हैं कलर कैसे चेंज हो रहा है, अभी इसको भूनने में टाइम लगेगा। तब तक हम इसके लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मसालों का, ड्राई मसालों का, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर मैं डालूंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मैं सारे ड्राई मसालों को सोक करूंगी। तो देखिएगा मैं क्या करती हूँ, आपको मैं बताऊंगी आगे। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच के करीब डालूंगी। ये बहुत कड़वी नहीं होती, तीखापन इसमें कम होता है, तो आप 1.5 चम्मच 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, इसका मैं बहुत गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करूंगी। आपको याद है हमारी दादी नानी सिलबट्टे पे मसाला पीसती थी, तो वो मसाला जब पीसती थी तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती थी, तब वो सब्ज़ी जो बनती थी बहुत टेस्टी बनती थी। तो यहाँ पर हमारे पास सिलबट्टा तो है नहीं, तो मसालों को ना हमेशा आप थोड़ा सा पानी में सोक कर लेना, तो वो मसालों का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आप प्लीज़ इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा और फिर बताइएगा कि आपकी सब्ज़ी और तरी कैसी बनी। तो ये देखिए इस तरह का हमने पेस्ट बना लिया। तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे बना के। तब तक हम अपनी प्याज और लहसुन को देखते हैं वो कैसा भुना है। तो ये देखिए बिल्कुल इतना आपको भुनना है, ऑयल सेपरेट होने लग चुका है, आपको देख सकते हैं। और अब मैं ये पेस्ट इसमें 2 चम्मच जितना मैंने बनाया था वो पूरा मैं डाल दूंगी, और जो बचा हुआ है उसमें पानी डाल के हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया फूल गया है मसाला, और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से हम इसको लो से मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए, अब मैंने सूखे मसालों को प्याज और लहसुन के अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से प्याज के साथ भून लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए मैंने इसमें 4 टमाटर लिए, क्योंकि राजमा में टमाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो टमाटर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके यूज़ किया है, आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, उसकी प्यूरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर को कद्दूकस करके या बहुत महीन चॉप करके यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा मसाला बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर फ्लेम को करेंगे लो और इसको ढक्कन लगा के हम 5-7 मिनट के लिए मसाले को भुनने देंगे। तो हम 5 मिनट के बाद चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। तो देखिए मसाले कितने अच्छे से भुन के, इनका कलर देखिए, मसालों ने तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया मसाले का, बिल्कुल लाल रंग के हमारा मसाला तैयार हुआ है। और
अब हम यहाँ पे कुकर चेक कर लेते हैं हमारा राजमा कैसा उबला है, बॉयल हुआ है। तो देखिए इसको हम एक चम्मच की हेल्प से इसको हम उंगली से दबा के देखेंगे। ये देखिए राजमे बहुत अच्छे से गल गए हैं और मैंने लगभग 7 सीटी बजाई है। 1 सीटी हमने मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद मैंने स्लो पे सारी सीटीज बजाई थी इसकी। तो अब राजमे को हम इन मसालों के साथ डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने राजमा को मैश कर दिया था कुकर में ही, तो उससे एक बहुत अच्छा मतलब टेक्स्चर आता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो मसालों के साथ मैंने राजमे को मिला दिया और अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। और मैं पानी जो यूज़ कर रही हूँ तरी के लिए वो गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ। हमेशा आप गर्म पानी ही तरी के लिए यूज़ करिए, उससे जो रसा होता है वो मसालों के साथ पानी अच्छे से बॉयल हो जाता है, घुल जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच हरी मिर्च डाल रही हूँ बहुत महीन महीन चॉप करके, और मैंने इसमें हरी धनिया डाल दी है। और हरी धनिया तो मैं खूब अच्छे से डालूंगी, थोड़ी सी रख दूंगी गार्निश के लिए बाद के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के गरम मसाला, बस इतना ही मसाले इसमें पड़ेंगे राजमा में। मैं कोई एक्स्ट्रा राजमा मसाला और कोई भी नए तरह के मसाले नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मसाले घरेलू जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं उन्हीं से आप ये राजमा बनाएंगे और आपका राजमा बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस बनेगा। 5 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम पर बॉयल करेंगे और फिर हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए घी मसालों के साथ बिल्कुल ऊपर तैर रहा है, मसाले बहुत अच्छे भुने हैं, ये इसका सबसे बड़ा साइन है। और हमारा राजमा कितना टेस्टी बहुत डिलीशियस बहुत यम्मी लग रहा है, सच में यकीन मानिए 101% आप जब इसी मेथड के साथ राजमा बनाएंगे आपका राजमा भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा राजमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं राजमा को डाल रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी, इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं, राजमा देख सकते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट राजमा रेसिपी है। और इसके ऊपर हम देसी घी डालेंगे, घी बहुत ही लास्ट टिप है और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, घी ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमारा राजमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको बनाइए खाइए और इन्जॉय करिए। और राजमा के साथ तो चावल के साथ है, इनका बड़ा गहरा नाता है, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो बिना चावल के राजमा तो अधूरा है। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़े से चावल बना लिए थे, तो मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना, आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप भी बिल्कुल मेरे मेथड के साथ राजमा बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका राजमा कैसा बना। अगर आपका राजमा अच्छा बना, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा और मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आप लोगों ने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से राजमा की रेसिपी बनाई पंजाबी स्टाइल में। तो आप इस रेसिपी को बनाइएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।